आज हम एक ऑर्डर ऑर्थो पटेरा डिप्टी पटेरा हमने पूरा कर लिया था, ऑर्थो पटेरा यूज करें पढ़ेंगे। इसके अंदर मेनली ग्रास ऑपर, क्रिकेट्स, लोकस्ट, मोल क्रिकेट ये आते हैं। आप सभी इनसे अवेयर हैं। ग्रास ऑपर भी आप देखते हैं कि घर के आसपास ड्राई एरिया में और में दिखाई दे देते हैं। इनका सिनोनिम इसको साल्टोरिया ग्रुप ऑर्थोपटेरोइडिया भी कहते हैं। ये टर्म ओलिवियर ने 1789 के अंदर इसको यूज किया था पहली बार। 20,000 इसकी स्पीसीज हमें ज्ञात है इसकी। इसका हेड इस तरह से, ये यू इस तरह से लगा रहता है फॉरेक्स के साथ में। और ये बहुत सी कंपाउंड आई लगी रहती है, ये यहाँ से जुड़ा रहता है। हाइपो मेनेथस पॉलिजिशन के अंदर ये जो रहता है, ये माउथ पार्ट्स इस तरह के इसके अंदर रहते हैं। एंटीनीस के अंदर फिलीफॉर्म टाइप की एंटीनी आगे से टेपरिंग होती हुई। इसकी एंटीनी होती है और ये कंपाउंड आई मिलती है इसके अंदर। और ये माँ जो हाइपोग्नेजस टाइप का ये एंटीनिफिलीफॉर्म, यानी इससे से आगे की और पतली होती चली जाती टेपरिंग की ओर। कैलीफेरा एंसीफेरा दो सब ऑर्डर है। एंटीनी का साइज इससे ज़्यादा है या कम है, इसी बेस पे ये दो सब ऑर्डर में डिवाइड होगा। आईज कंपाउंड आई और छोटी ओसिलाई भी, यहाँ ओसिलाई भी मिलती है। ये वेल डेवलप होती है। माउथ पार्ट्स मैंडिबुलेट चिविंग टाइप के कटिंग करने के लिए, काप कटिंग करने के लिए आते हैं। मैंडिबल्स अच्छे, बहुत अच्छे मजबूत मैंडिबल होते हैं। उसके ऊपर डेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। जो मैंडिबल्स हैं उसमें इससे डेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। ये लीफ को इस तरह से कटिंग करते हुए काम करते हैं। लेग्स आपको मालूम है कि तीन जोड़ी इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन हाइंड लेग इसका अपन हाइंड लेग देखते हैं ना, हाइंड लेग की ये फिमोरा थोड़ी सी लार्ज हो जाती है, ये एक्सटेंड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ये जंपिंग में काम आती है, इसे ही जंप करता है। इक्वल साइज में है लेकिन, बट हाइट लेंथ फिमोरा एंड लार्ज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टिबियल लेवेटर मसल्स। यहाँ पे इस मसल्स में ये जो मसल्स हैं इसकी टिबिया को जब देखते हैं अपन इस तरह से, ये इस तरह से कॉक्सा, इसकी जो फिमोरा है वो लंबी हो जाती है। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस, तो ये एनलार्ज हो जाती है। इसके अंदर इसमें होते हैं, इसमें से नर्व चलती रहती है इस तरह से। इससे ये इसमें स्पाइंस मिलते हैं, गेव बोल रही है ये हाइंड लेग। ये
इस तरह से चौड़ा होता है, ये इसको जंप करने में हेल्प करता है. यूज्ड इन फॉर जंपिंग. फोर लेग मॉडिफाइड इन सम फैमिली पोसोवेटाई. अब मोल क्रिकेट के अंदर, मोल क्रिकेट के अंदर ये आगे स्पून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये आगे से चौड़ा हो जाता है, वो आगे से यूं ये यूं ये चौड़ा हो जाता है, स्पून लाइक आ जाता है. ये डिगिंग में काम आता है, डिगिंग करने के अंदर. ये मोल क्रिकेट के अंदर आप देखेंगे डिगिंग में काम आता है. विंग्स डिसिमिलर होते हैं, अलग अलग साइज के मिलेंगे आपको. डिसिमिलर है, एक स्कल्पराइज होता है, दूसरा मेम्ब्रेनस होता है. जब ये फोरविंग तो हार्ड सा मिलेगा और हाइंड विंग ये मेम्ब्रेनस होता है, इसके नीचे की तरफ आ जाता है. तब इसके नीचे जब ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो इसके बॉडी पर आ जाता है, फैले होते हैं तब ये होता है. ये स्कल्पराइज है और ये एक्सटेंड होकर के लंबा हो जाता है. ये मेम्ब्रेनस है. इसके ट्राइज हो सकता है, इसको टैगमिना कहते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर मेन मेन रहता है. टेलीफेरा और इंसीफेरा, दो सब ऑर्डर में हमने इनको डिवाइड किया, कैलीफेरा और इंसीफेरा. कैलीफेरा के अंदर शॉर्ट होते हैं, एंटीनी शॉर्टर देन दी बॉडी, और इंसीफेरा में लॉन्गर देन दी बॉडी. ये दो सब ऑर्डर बनते हैं. इस तरह से ऑर्थोप्टेरा का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है. इसकी 20,000 हमें स्पीसीज ज्ञात है, लगभग जिसमें से 2,800 तो अमेरिका में ही पाई जाती है. बहुत ही मोर्फोलॉजिकली एंटोमोलॉजिकली ये देखते हैं तो अलग अलग वेज समझते हैं. इसमें पिग्मी ग्रास ऊपर, कुछ ग्रास ऊपर आपको बिल्कुल एब्डोमिनियम मिलेगा, सिलेंड्रिकल. कुछ में एब्डोमिन आपको ऐसे मिलेगा. उसकी शेप ही है कुछ सिलेंडरी में, ये पिग्मी आ जाते हैं. ये पिग्मी ग्रास होता है, ये सिलेंडर बॉडी होती है. कुछ में कुछ ऑर्थोप्टेरस के अंदर इनके ग्रास विंग्स बहुत छोटे होंगे, किस में विंग्स बहुत हैं, लार्ज होंगे, शॉर्ट विंग, लार्ज विंग, और कुछ में विंग है नहीं, इनके छोटे साइज होते हैं, वो उसके अंदर विंग्स होते भी नहीं है. तो आज और तो कुछ रहेगा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा. नेक्स्ट टाइम पे हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे.